आज ईशान्य मुंबई महायुतीच्या निवडणूक कार्यालयाचं उद्घाटन या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे, आरपीआय, राष्ट्रवादी काँग्रेस, अजितदादा पवार आणि आमच्या अन्य मित्र पक्षांच्या नेत्यांच्या उपस्थितीत झालंय। भारतीय जनता पार्टीने आणि आमच्या महायुतीतल्या सर्व पक्षांनी प्रचारामध्ये त्यामुळे अग्रणी भाग निभावलाय। जनतेपर्यंत, मतदारांपर्यंत पोहोचवून गेल्या 5 वर्षांमध्ये आमचे स्थानिक खासदार आणि नेते मनोज कोटक यांनी केलेली कामं केंद्र सरकारच्या माध्यमातून या मतदारसंघाला, मुंबईला आणि महाराष्ट्राला मिळालेला विकासाचा वाटा या सगळं जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचं अभियान हे जनसंपर्क अभियानही चालू आहे। आज मोठ्या प्रमाणात सर्व बूथवरून महायुतीचे कार्यकर्ते या उद्घाटनाला आले असं मी त्या ठिकाणी सांगतो। आज ईशान्य मुंबई भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे, आरपीआय, एनसीपी, अजितदादा पवार और हमारे मित्र पक्ष एनडीए के सभी सदस्य नेताओं के उपस्थिति में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। जनसंपर्क का अभियान भी इस क्षेत्र में सांसद इस नाते मनोज कोटक जी ने किया हुआ काम, हमारे विधायक, हमारे नगर सेवक, हमारे पदाधिकारी, इन्होंने किया हुआ कार्य, माननीय मोदी जी के सरकार से इस क्षेत्र को, मुंबई शहर को, महाराष्ट्र को जो विकास में अपना हिस्सा मिला है उस विषय को जनता तक पहुंचाने का एक अभियान भी हमारा चालू है और इसमें आज सभी बूथ से महायुति के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। सर क्या कहेंगे, जोर शोर से उद्घाटन हुआ है, उत्साह ने काफी जीत की आपकी उम्मीद अभी से ही जाहिर कर दिए, क्या कहेंगे? देखिए, ईशान्य मुंबई ये भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और रिपब्लिकन पक्ष और अन्य मित्र पक्ष का गढ़ रहा है। जिस तरह का वातावरण आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ता प्रचंड उत्साहित है और मोदी जी का जो नारा है अब की बार 400 पार, इसमें ईशान्य मुंबई की सीट ये बड़े मार्जिन से चुन के आए, इसलिए कार्यकर्ताओं ने जो संकल्प किया, आपने देखा होगा कि कार्यकर्ताओं का संकल्प दिख रहा है। पिछले साल भर से जनता के विविध कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच रहने वाले कार्यकर्ता है, उत्साहित है, मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर फिर एक बार बनाना चाहते हैं और जिस तरह का वातावरण इस देश में है, महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी के और अजीत दादा के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के विकास कार्यों को लेकर जनता में काफ़ी उत्साह है और फिर एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे इस विश्वास के साथ आज हमने कार्यालय का उद्घाटन। मुंबई में अभी तक किसी भी पार्टी का निवडणूक कार्यालय नहीं है, पहला बार 6 सीट में अपना ईशान्य मुंबई का उद्घाटन हुआ है, क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश है, हर चुनाव क्षेत्र में कार्यालय खोलना ये हमारी प्राथमिकता रही है और यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता पिछले 5 साल से लोगों के बीच में जाकर जिस तरह से काम कर रहे हैं, निश्चित कार्यालय का खुलना एक भाग है लेकिन जनसंपर्क ये बड़े पैमाने पे तीनों पक्ष के कार्यकर्ता कर रहे हैं। एक घोषणा दी गई 3 लाख पार, वो क्या है? जिस तरह का माहौल और वातावरण है मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र में मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकनाथ जी के, देवेंद्र जी के, अजीत पवार जी के नेतृत्व में, रामदास आठवले जी के नेतृत्व में कार्यकर्ता जिस तरह उत्साहित है, निश्चित ईशान्य मुंबई की जीत ये पिछली बार से भी बड़ी जीत होगी। उस तरह का विश्वास कार्यकर्ताओं के अंदर आपने देखा है, उसको लीड के आंकड़े के साथ अगर जोड़ेंगे तो जो नारा दिया है वो 3 लाख पार लीड का नारा है। सर, हर कार्यकर्ता को 370 से एक्स्ट्रा बनाना है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, 370 के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता दिल से जुड़े हुए हैं। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर के लिए बलिदान दिया था, मोदी जी ने अब नारा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीटों पे विजयी होगी। इस 370 को हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाने के लिए हर कार्यकर्ता ने काम पे लगना है। और दूसरा, महाराष्ट्र के अंदर जो 2019 के मैंडेट का विश्वासघात हुआ था, देवेंद्र जी को मुख्यमंत्री न बनाते हुए जिस तरह का विश्वासघात हुआ था,
अब एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में सरकार फिर से बनी है, उसके बाद का ये पहला चुनाव है। निश्चित कार्यकर्ता भी उस विश्वासघात का बदला लेने के लिए मैदान में उतरेगा। जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के आशीर्वाद से हमारे हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाला साहेब ठाकरे जी के आशीर्वाद से और हमारे जो सम्माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, इनके आशीर्वाद से और आदेश से आज यहाँ पे लोकसभा परिक्षेत्र उत्तर पूर्व मुंबई विभाग क्रमांक 10 की तरफ से हम लोग सब शिवसेना के कार्यकर्ता यहाँ पे आए थे। हमारे जो चहेते खासदार हैं मनोज कोटक साहब, जो 15 साल से नगर सेवक थे और गली गली से वाकिफ है, पूरे लोकसभा में सभी गलियों में जाते रहते आते रहते और हर एक आदमी का काम करते हो, कभी पार्टी नहीं देखे, कभी हर गरजू आदमी का काम देखते हैं। उसके लिए आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग भी उपस्थित थे, पदाधिकारी भी उपस्थित थे और कार्यकर्ताओं को बहुत आनंद हुआ कि मनोज भाई के लिए ये ऑफिस, ये कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। और जैसे मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के हर कोने में कहीं भी जाएंगे तो रोड का काम, कंपनी का काम, नदी नाले का काम, सब प्रकल्प चालू है और देश का विकास बहुत तेजी से जोरों शोरों से हो रहा है। किसानों के लिए भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, कामगार वर्ग के लिए काम हो रहे हैं। एकनाथ शिंदे साहब ने भी महिलाओं के लिए एसटी का टिकट अदा किया है, लेक लाड़की योजना से हर जन्म लेने वाली महिला बच्ची के लिए 1,00,000 रुपये की योजना की हुई है। आज रमाबाई कामराज नगर के हजारों झोपड़ी वालों के लिए MMRDA की SRA योजना लाकर उनका जो बरसों पुराना सपना था कि हम बिल्डिंग में जाना चाहिए, हमको बिल्डिंग में घर मिलना चाहिए, वो योजना पास की हुई है, उसका कल एग्रीमेंट भी हो रहा है। तो ये ऐसे हजारों जो लोगों के लिए काम करते हैं, करने हैं, वो सारे काम हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, हमारे यहाँ के सबके चहेते खासदार मनोज कोटक साहब, हमारे यहाँ के आमदार पराग भाई कर रहे हैं और उस वजह से यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल था और ये सीट 100% मुंबई में सर्वाधिक मतों से जीती जाएगी। हम लोग के लिए भी एक आशा है और हम लोग को काम करने के लिए बहुत मज़ा आ रहा है। सम्मान्य एकनाथ शिंदे साहब ने जो नरेंद्र मोदी जी के साथ जाने का निर्णय लिया, उसके साथ हम लोग उनके साथ चले गए और हम लोग जब से मोदी जी के साथ एकनाथ शिंदे साहब के साथ में जुड़े हुए हैं। एकनाथ शिंदे साहब ने हमारा इतना काम किया है कि हम उनको छोड़ के कहीं पर जा नहीं सकते और इस सीट के लिए ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में हमारे सभी शिवसेना के सभी वर्कर, सभी पार्टी वर्कर, सब शिवसैनिक जैसे रण में सैनिक काम करता है, रणभूमि में सैनिक काम करता है, वैसे इलेक्शन के लिए देव देश और धर्म के लिए सब शिवसैनिक लड़ेंगे। चुनाव कार्यालय जरूरी तो होता ही हमेशा कोई भी पार्टी के लिए, पर यहाँ पे भाटियावाड़ी पे यहाँ पे बहुत से पुण्य के काम हुए, इसके लिए हम लोग ने भाटियावाड़ी का स्थल चुना है। मनोज भाई ने उनकी 5 साल की कार्यकृति में बहुत सारे अच्छे काम किए, हम लोग सब साथ में मिल के सब लोग ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है और हमारा सपोर्ट मनोज भाई को हमेशा साथ में रहेगा और हमें संपूर्ण विश्वास है कि नॉर्थ ईस्ट की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी 3 लाख से भी ज़्यादा वोट से जीत के आएगी। आप विधायक बनने के बाद भी कई प्रोजेक्ट पे आपने काम किया, इसका किस तरह का लोकसभा के लिए फायदा होगा घाट ऊपर? मैंने बहुत सारे काम किए पर कभी वो राजकारण समझ के नहीं किए, वो मानवता का धर्म है, उसके कारण राजकारण में फायदा होना चाहिए ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं है। बट मैं जरूर मानता हूँ कि लोग अच्छे लोगों को आगे लाने की कोशिश करेगी और नरेंद्र भाई की जो आगेवानी में जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है उसमें कोई संशय नहीं है कि भाई यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत के नहीं आ रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में अगर कहीं कार्यकर्ता धन है तो भारतीय जनता पार्टी और पूर्व के जनसंघ के पास ही है। हमारे हर बूथ पर 1+30 एक कार्यकर्ता, उसके 30 सदस्य है और 1+10 एक बूथ प्रमुख और उसके साथ में 10 सहायक प्रमुख है जो विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब तो हम भारतीय जनता पार्टी, पिछले बार हमें लगता है कि मनोज कोटक जी नए उम्मीदवार थे, लेकिन फिर भी नए उम्मीदवार होने के बाद भी
मनोज कोटक जी 2,35,000 वोट से जीत कर आए थे। कोरोना काल में पूरे देश में जितना अधिक काम हुआ वो पूरे रिकॉर्ड के हिसाब से ईशान्य मुंबई में हुआ, चाहे वो ऑक्सीजन बनाने की मशीन हो, चाहे वैक्सीनेशन हो, गरीबों को मुफ्त में और अमीरों को उनके दरवाजे पर जाके पैसा लेकर भी हमने सेवाएं दी हैं। और मोदी जी के कहने के बाद बहुत से लोगों ने अपने गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ी, बहुत जो जो कुछ किया वो मोदी जी के कहने पे राष्ट्र के लोगों ने उनका साथ दिया। कोरोना भगाने के लिए जब थाली बजाओ की बात आई तो बहुतों को बुरा लगा, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो ये देश की जनसंख्या आधी हो जाती थी उस समय, लेकिन रेल ट्रेन सबको रोक कर लोगों को एक दूसरे का संबंध न हो इसके लिए थोड़ी तकलीफ उस समय हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना जीव जोखिम में डालकर रात दिन काम करते रहे। मैं मीडिया से निवेदन करूंगा और आपसे प्रार्थना करूंगा कि उस समय के रोड पर काम करने वाले इतर पार्टी के लोग जो सत्ता में थे वो कहाँ थे, जो गद्दारी उन्होंने हमारे साथ की, कौन सी गद्दारी, गरीबों को हम जैन मंदिरों से, सरदार जी के गुरुद्वारों से, वहाँ से अपना हरे कृष्ण हरे राम से जो खाना मंगाते थे वो हम गरीबों में बांटते थे और हर वार्ड के अंदर 1,000-2,000 पैकेट रोज बढ़ता था। ये भी सत्ता में होते हुए जितने भी किचन थे उनको उन लोगों ने अपने ताबे में ले लिया और ताबे में लेकर उससे अपने अपने नगर सेवकों को बांटने को चालू किया। मेरे पास इतने प्रमाण है कि हम नेताओं को दवा हमने कराया, एडमिट हम कराया। सारे बातें कैसे जनता तक आप ले जाएंगे आप लोग के लिए? जनता की देखिए, हमारा तो अभी युति है और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना और ये RPI के लोग और हमारे कार्यकर्ता 370 वोट बढ़ाने के लिए हम सतत प्रयत्न में हैं। आमदार फंड होने दीजिए, खासदार फंड होने दीजिए, हर गली में जो कोई जो मांगा वो दिया है, हमारे में ये नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं का जो हमारे नगर सेवक थे उनके कामों को आज जो उबाठा के नगर सेवक है उनके कामों को मिलाइए, अगर उसी फंड में हमारा कार्यकर्ता 5 गुना काम नहीं किया होगा तो आप हमसे आके पूछिएगा, क्योंकि यहाँ खाली चोरी होती है दूसरे पक्षों में। हमको राष्ट्र धर्म सिखाया गया है और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बताया था कि गरीब से गरीब समाज का अंतिम व्यक्ति जब तक सुदृढ़ नहीं होगा तब तक यह राष्ट्र सुजलाम सुफलाम नहीं होगा। इसलिए जो भी हमारी योजनाएं हैं वो गरीबों के लिए, न हिंदू के लिए, न मुसलमान के लिए है, न किसी जात के लिए है, जो गरीब है उसको हर प्रकार की हम सुविधाएँ दे रहे हैं। आपको कितना बताऊं, लेकिन हमारा कार्यकर्ता, हमारा खासदार दिन रात एक करके जब आपने बुलाया वो सब जगह गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की शक्ति और नेताओं का काम हमको 370 के आगे लेके जाएगा, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। और हम 3,25,000 वोट की मार्जिन से जीत के आएंगे, चाहे उम्मीदवार कोई भी सामने होने दीजिए, इतनी लीड हमारी रहेगी। धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आपका नाम और पद बता दीजिए। मैं अशोक राय, जिला अध्यक्ष ईशान्य मुंबई।